नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा वीडियो है ना, वो है जीमेल आईडी के ऊपर। अगर आप भी जीमेल आईडी चलाते हैं तो आपके जीमेल आईडी कोई और नहीं चला रहा, कोई और तो नहीं यूज कर रहा है, आप कैसे जानेंगे? तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आपका जो जीमेल आईडी है वो कोई और तो नहीं चला रहा है, आपकी जीमेल आईडी हैक तो नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए और आपको हम इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे चेक करें मेरा जीमेल आईडी कहीं दूसरे के मोबाइल में नहीं तो चल रहा है। तो दोस्तों चलते हैं मैं क्रोम ब्राउज़र पर। क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद आपको ओपन करना है क्रोम ब्राउज़र। यहाँ पर आपको सर्च करना है gmail.com। हाँ तो दोस्तों कुछ इस तरीके का आपका जीमेल आईडी खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पर 3 डॉट पे जैसे टच करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखा डेस्कटॉप, तो यहाँ पर जैसे टच करेंगे ना कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। और यहाँ पर जैसे टच करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस दिखाई देगा। आपका जितना ईमेल आ रहा है वो पूरा का पूरा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसमें आपको कैसे जाना है, दोस्तों ऐसे जैसे जूम करेंगे इसको, जूम करने के बाद आपको यहाँ पर लिखा है डिटेल्स, डिटेल्स वाला ऑप्शन पर जैसे टच करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पर आप जूम करेंगे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं आपका जीमेल आईडी कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है। तो इस साइड में आपको मोबाइल दिया, मोबाइल में यूज हो रहा है, ब्राउज़र में यूज हो रहा है। तो अभी ब्राउज़र में कितना बजे आप देख सकते हैं, कितना बजे ए ब्राउज़र में लॉगिन हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है 12:16 पे, क्योंकि अभी 17 मिनट हो रहा है। तो 12:16 पे मेरा लॉगिन हुआ है। तो आप समझ सकते हैं आप कहाँ कहाँ पर लॉगिन कर रहे हैं, तो आपको खुद मालूम चल जाएगा। मतलब आज मैं अपने मोबाइल में जीमेल आईडी खोला है, अगर नहीं खोले होंगे तो आपको ऐसा ही मालूम चल जाएगा मेरा जीमेल आईडी किसी और मोबाइल में चल रहा है। और यहाँ पर आपको जिस मोबाइल में चलेगा उस मोबाइल का नाम लिखेगा। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो था, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेकिन एक बात और, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे ना तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। और यहाँ पर आप चले आएंगे अपने, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे अपने जीमेल आईडी में, जो कि जीमेल आईडी ऐप रहता है, यहाँ पर आ जाएंगे। और कोई भी आपके जीमेल आईडी चला रहा है तो यहाँ से आकर आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। आप पासवर्ड चेंज कर देंगे तो आपका जीमेल आईडी सेफ हो जाएगा। तो दोस्तों आज का मेरा यही वीडियो था, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं। फिर मिलते हैं मैं अगले वीडियो में।